अगर आपको लगते हैं कि आपके बाल बेजान हैं, रुके हैं, फ्रिजनेस है, स्प्लिट एंड्स है, काफी ज्यादा ड्राई हो चुके हैं, तो आप इनको कैसे रिकवर कर सकती हैं? तो इस वीडियो में मैं आपको रेकमेंड करूंगी कि आप हेयर स्पा करना शुरू कर दीजिए अपने बालों में। अब हेयर स्पा के लिए आपको पार्लर्स में जाने की जरूरत नहीं है, 500 से 600 का जो खर्चा आता है स्पा कराने में वो भी करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ आपको वन टाइम इन्वेस्टमेंट करनी है, वो भी लॉरियल हेयर स्पा की इस क्रीम में। अब ये कोई प्रीपेड प्रमोशन वाली वीडियो नहीं है, इसको तो आप कतई ना समझें, मेरे पास प्रमोशन आते ही नहीं है, ये मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से आपको रेकमेंड कर रही हूँ। इस वाली जो ये क्रीम है ना, ये जो क्रीम का डब्बा है, इसको मैं 2017 से यूज कर रही हूँ, यानी कि आज मुझे यूज करते करते भी इसे 5 से 6 साल आराम से हो गए हैं। मुझे कभी कोई साइड इफेक्ट देखने को नहीं मिला, बल्कि जब भी मैं हेयर स्पा करती हूँ तो मुझे अपने बालों में एक अलग ही शाइन देखने को मिलती है, बाल सिल्की स्मूथ सॉफ्ट हो जाते हैं। आपको वन वॉश से ही, हाँ जी वन वॉश से ही आपको काफी ज्यादा बेटर रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। बस आपको 600 से 700 रुपए का जो एक बार का पैसा है सिर्फ वो लगाना है, और जो ये क्रीम का पूरा डब्बा है वो एक साल आपका आराम से चलेगा। आप होम रेमेडीज ट्राई कीजिए और साथ ही साथ महीने में एक बार स्पा भी करते चलिए। देखिए मैं कोई केमिकल को प्रमोट नहीं कर रही हूँ, पर अगर आप देखोगे कि हमारे एनवायरनमेंट में या हमारे खान पीन में सब कहीं ना कहीं केमिकल ही है, तो हम कब तक इन सब चीजों से भागेंगे? हमको सिर्फ हेयर स्पा की क्रीम को हेयर लेंथ पे लगाना है, ना कि जड़ों में। तो आप बिल्कुल निश्चिंत हो जाइए कि आपको हेयर फॉल हो रहा है तो कहीं इसको लगाने के बाद और भी ज्यादा हेयर फॉल ना हो, या फिर आपको कहीं और कोई दिक्कत ना हो। तो हम दिक्कत के लिए तो जड़ों में तो लगा ही नहीं रहे, सिर्फ हेयर लेंथ पर हम काम कर लेंगे जिससे हमारे बाल सिल्की हो, स्मूथ हो, सॉफ्ट हो। ठीक है दोस्तों, तो चलिए मैं इस पूरे प्रोसेस को आपको बहुत अच्छे से समझाऊंगी और आपको वही फॉलो करना है। वीडियो को ध्यान से सुनना भी है और देखना भी है। गाइस देखिए, अगर आपको हेयर स्पा करना है ना, तो आपको ये मस्ट है कि आपकी जो हेयर स्कैल्प है वो बिल्कुल क्लीन होनी चाहिए। जैसे मैंने सुबह उठ के ही सर धो लिया था, अब इस टाइम मेरे बालों में कुछ 30 से 40% के आसपास पानी है, यानी कि मेरे बाल हल्के सूखे हैं, हल्के गीले हैं। तो आपको धीरे धीरे हल्के हल्के हाथों से अपने गीले बालों को सुलझा लेना है, जबरदस्ती उनके साथ बिल्कुल भी नहीं करनी है। सुलझाने के बाद आपको अपने बालों को दो पार्टीशन में डिवाइड कर लेना है, एक पार्ट। फिर उसके बाद आपको अपने हेयर लेंथ के अकॉर्डिंग क्रीम को निकाल लेना है। क्रीम को हमेशा कांच की कटोरी में ही लेना है, क्रीम को अच्छे से लेके उसे अच्छे से फेंटना है। फेंटने के बाद आपका जो बालों का एक पोर्शन है उसमें से भी आपको थोड़े से बाल लेने हैं। थोड़ा थोड़ा करके अगर हम बालों पर काम करेंगे तो हमें वो ज्यादा बेटर रिजल्ट्स देगा। तो थोड़ी सी आपको क्रीम लेनी है और हेयर लेंथ पर अच्छे से लगानी है। 4 से 5 बार जो मैं प्रोसेस इस वीडियो में दिखा रही हूँ आपको वही करना है। जब आप ये प्रोसेस करोगे तो आप हल्के हाथों से बिल्कुल नहीं करोगे, थोड़े से अपने हाथों को टाइट रखना है। और जो हमारी हेयर लेंथ का सबसे नीचे वाला पार्ट होता है ना, जो सबसे ज्यादा ड्राई होता है, जिसमें स्प्लिट एंड्स होते हैं, उस पार्ट पर आपको सबसे ज्यादा काम करना है। आपको क्रीम लगानी है, टाइट टाइट हाथों से ऊपर से नीचे क्रीम को लगाते जाने हैं। सबसे ज्यादा फोकस आपका हेयर लेंथ की सबसे नीचे वाले टिप पर होना चाहिए। ऐसे करते करते ही आपको अपने पूरे बालों में क्रीम लगा लेनी है। ध्यान रखना है कि बालों की जड़ों में क्रीम नहीं लगनी चाहिए। अगर आप ज्यादा और इसमें न्यूट्रिशन पाना चाहते हो तो आप विटामिन ई के कैप्सूल को भी ऐड कर सकते हो, पर मेरे पास अभी खत्म हो रखे थे तो मैंने उनको नहीं यूज किया है। फिर आपको क्या करना है, भगोना लेना है, थोड़ा सा पानी गर्म करना है। पानी उतना ही गर्म करें जितना आप बेयर कर सको, यानी कि ना ज्यादा पानी गर्म होना चाहिए ना ज्यादा ठंडा होना चाहिए। अगर आपके पास स्टीमर है तो वो तो सबसे ज्यादा बेस्ट है, मेरे पास नहीं था तो इसीलिए मैं भाप देने की एक अलग ही मेथड यूज कर रही हूँ। जैसे मैंने पानी को गर्म कर लिया है, अब उस सूती कपड़े को मैं उस पानी में डालूंगी, उसको अच्छे से निचोड़ूंगी और अपने बालों में लपेट लूंगी। इससे क्या होगा कि मेरे को स्टीम मिलेगी, जो क्रीम है वो अच्छे से काम कर पाएगी, जो हमारे बालों को मॉइस्ट कर पाएगी, उसे अब हमारे बालों को नरिश करेगी। आपको क्रीम लगाने के बाद स्टीम तो जरूर देनी है अपने बालों में भाप। 4 से 5 बार आपको ये प्रोसेस करना है। ये प्रोसेस करने के बाद आपको नॉर्मल पानी से अपने बालों को धो लेना है और नेचुरल ही अपने बालों को सुखाना है। आपको फर्स्ट वॉश में ही, हाँ जी आपको फर्स्ट वॉश में ही गाइस बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। जो आपके बालों का ड्राईपन होगा, रूखा होगा, फ्रिजीनेस जो आपको देखने को मिलती थी वो सभी गायब हो जाएगी। होम रेमेडीज के साथ, ऑयलिंग के साथ आपको मंथ में हेयर स्पा को जरूर टाइम देना है। सिर्फ कुछ
600-700 की इन्वेस्टमेंट होगी, फिर उसके बाद एक साल का पूरा कोटा आपका खत्म हो जाएगा। ये मैं सच में अपने एक्सपीरियंस से ही मैं आपको ये बताती हूँ, फालतू मैं कुछ इधर उधर की वीडियोस देख के या फिर किसी और की चीजों को देख के मैं सच में गाइस कुछ रेकमेंड नहीं करती। मैं आप लोगों से कनेक्टेड फील करती हूँ, जो मैंने खुद से ट्राई किया मैं सिर्फ वही चीजें आपको बोलती हूँ। तो आप जरूर फॉलो करना, जरूर ट्राई करना और कमेंट बॉक्स में कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।